नमस्ते भैया बहनों, आज हम पर्यावरण में पाठ छः जो पृथ्वी का शेष भाग रह गया था उसका अध्ययन करेंगे। अधिक सुविधा के लिए मानव ने पृथ्वी पर तबाही ला दी है, यानी कैसे लाई है, यानी वनों को काट दिया है, पहाड़ों को खनन कर रहे हैं और जो नदियां हैं उनमें भी बांध बना करके पानी रोका जा रहा है। इसलिए अब जब नदी बरसात अधिक होती है तो तबाही मच जाती है। वनों की कटाई से वर्षा की कमी तथा उपजाऊ मिट्टी बह जाने के कारण पैदावार घटती है। जब बरसात वन कट गए तो बरसात से पानी से वो मिट्टी जो उपजाऊ मिट्टी है वो बहकर चले जाती है। इस सब बातों ने अकाल की स्थिति पैदा कर दी है, यानी अकाल वाली स्थिति पैदा हो गई है। परंतु अब मनुष्य को अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। उसने वनों को अपना मित्र मानकर वनों के बचाव कार्य प्रारंभ कर दिए हैं। अब जो मानव है वो जो वनों का अपना सहयोगी और मित्र मानते हैं, इसलिए उन्होंने वृक्षारोपण का कार्यक्रम शुरू कर दिया है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए विभिन्न भागों में वन माह उत्सव कार्यक्रम चलाकर अधिक से अधिक वृक्ष लगाने प्रारंभ किए हैं। अधिक वृक्षारोपण से प्रदूषण में कमी हुई है तथा मानव स्वास्थ्य में भी सुधार हुआ है। जो ये पाठ है भैया बहनों, इसको याद करना है और अपनी जो गृह कार्य कॉपी है उसमें उतारना है। धन्यवाद।